बेहतर तरीके से शिक्षण कार्य करने वाले अतिथि विद्वानों को ही रखा जाए टीआरएस कॉलेज में। टीआरएस कॉलेज के छात्रों ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर मांग की है उन्हें अतिथि विद्वानों को शिक्षा कार्य के लिए रखा जाना चाहिए जो बेहतर तरीके से छात्रों को पढ़ा सके, उनका शैक्षणिक स्तर सुधार सके। ऐसे किसी भी अतिथि विद्वान की नियुक्ति ना की जाए जो पढ़ाई नहीं करता, केवल और केवल राजनीति करना चाहता है। अगर बेहतर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति ना की गई तो छात्र उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की होगी। हम इस संदर्भ में ज्ञापन सौंपने प्राचार्य जी को आए हैं, क्योंकि यहाँ हमारे जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अतिथि विद्वान लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, जिस प्रकार से नारेबाजी और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये स्थितियाँ व्याप्त हो गई हैं कि कुछ अतिथि विद्वान शोर से सिफारिश और अपनी ऊँचे औहदों के दम पर यहाँ लिप्त होना चाहते हैं, यहाँ नियुक्ति कराना चाहते हैं, और उन नियुक्तियों के द्वारा केवल केवल वो राजनीतिक अड्डा बना दिए हैं इस कॉलेज को, और इस कॉलेज में शैक्षणिक स्तर को समाप्त किया जा रहा है। उसको बचाया जाए, इस कॉलेज की गरिमा को बचाया जाए, तो 150 साल का इस कॉलेज का इतिहास रहा है, उसको बचाया जाए, और जो भी छात्र के खिलाफ कार्य करने वाले टीचर हैं, क्योंकि खिलाफ मैं मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि अनुशासनहीनता, ऐसे के खिलाफ करते हैं कि उनको धमकी देते हैं, गर्ल्स के साथ छेड़छाड़ी तक करने वाले यहाँ टीचर की नियुक्ति हो चुकी है, और ऐसे ऐसे टीचर हैं कि जो टीचर छात्रों को ब्लैकमेल करते हैं, और साथ ही वो टीचर यहाँ कोई भी पढ़ाते नहीं हैं, क्योंकि यदि पिछले बार आपने देखा था हम लोगों ने ज्ञापन दिया था कि 00 नंबर पाए थे, लड़के फेल हुए थे, उसकी एक बहुत बड़ी वजह कि टीचर यहाँ पढ़ाते ही नहीं हैं, जब टीचर पढ़ाते ही नहीं बच्चे कैसे पास होंगे। तो एक नई प्रक्रिया से स्वच्छ तरीके से बिना किसी शोर सिफारिश के उनका एडमिशन किया जाए, नए लोगों का भर्ती की जाए, वर्ग साफ की शुरुआत की जाए, जिस वर्ग साफ के माध्यम से उनका चयन किया जाए, उस वर्ग साफ में हम सभी मेघावी छात्रों को बैठाया जाए, जो मेघावी छात्र रहें उनका चयन करें कि वो सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। और साथ ही एक हमारा विशेष मुद्दा रहा है कि उन टीचरों को जो आचरण है पूर्व में पढ़ा रहे थे और उनके आचरण खराब रहे हैं, उनको दोबारा कंटिन्यू न किया जाए इस महाविद्यालय, ताकि इस महाविद्यालय की गरिमा को बचाया जाए और पुनः महाविद्यालय को उस गरिमा पहुँचाया जाए जो इस गरिमा के लिए महाविद्यालय जो टीआरएस महाविद्यालय जाना जाता है। आगे भी करेंगे, और यदि उन टीचरों को भर्ती कर लिया गया इन मापदंडों को हटाते हुए, शोर सिफारिश के दम पर उनकी भर्ती की गई, तो हम सभी छात्र उनको इस महाविद्यालय के अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे। मैं स्पष्ट रूप से चुनौती दे रहा हूँ छात्रों की तरफ से कि कोई भी ऐसे महाविद्यालय में छात्र टीचर नहीं आने पाएगा एंट्री जो पढ़ाता नहीं और शोर सिफारिश करके और गलत आचरण करने इस महाविद्यालय में आएगा। मैं छात्रों तरफ से स्पष्ट उनको चुनौती देता हूँ कि वो प्रवेश कर लेंगे, और उस कॉलेज प्रशासन को चुनौती दे रहा हूँ कि कॉलेज प्रशासन जो इस यहाँ प्रवेश उनको दे देगा तो मैं देख लूँगा उस कॉलेज प्रशासन।